नमस्कार, आज है इंटरनेशनल डांस डे यानी डांस के दीवानों का दिन। 1982 से यूनेस्को ने इस दिन को मनाना शुरू किया था और तब से लगातार ये दिन मनाया जा रहा है। अगर हम राजधानी जयपुर की या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी ऐसे बड़ी संख्या में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन डांस को समर्पित कर दिया है। आज पत्रिका टीवी में ऐसी ही एक शख्सियत हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन इनके बारे में एक बात मैं बता दूँ कि इनको डांस का शौक शुरू से नहीं था। ये इन्होंने अपना ग्रेजुएशन अपनी पीजी कंप्लीट की, उसके बाद इनमें इनके अंदर जो है डांस के प्रति इंटरेस्ट जो है जागृत हुआ और उसके बाद इन्होंने पूरी ज़िंदगी डांस को ही समर्पित कर दी। हमारे साथ खास मुलाकात करेंगे डॉक्टर रागिनी ईश्वर के साथ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आज पत्रिका टीवी में। थैंक यू सो मच राखी, थैंक यू सो मच। बहुत इम्पोर्टेंट डे मेरे लिए आज कि ऐसे दिन इंटरनेशनल डांस डे पे मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों को मिल रही हूँ, लोगों से मुलाकात कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज से हम पहले बातचीत कर रहे थे, आपने मुझे बताया था कि डांस का शौक़ आपको नहीं था, पहले स्टार्टिंग में नहीं था, तो ये जो शौक़ डेवलप हुआ वो कब आपके हो? ये बचपन से हमारे फैमिली में पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो सब ऐसे पुलिस ऑफिसर्स बनते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं या मेडिकल फील्ड में जाते हैं। तो पापा को भी यही इंटरेस्ट था कि उनकी बिटिया भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाए, तो मैंने शुरू तो ऐसे किया, बहुत सारी पढ़ाई की। पता नहीं ज़िंदगी में क्या ट्विस्ट आया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये डांस बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके पीछे एक दिलचस्प कहूँगी या कोइंसिडेंस कहूँगी कि मेरे फीचर्स पापा पे गए एकदम, तो जो भी मुझे देखता था वो ये कहता था आप डांसर हैं, आप कुछ क्रिएटिव करती हैं, आप आर्टिस्ट हैं। तो जब मैं कहती थी नहीं, तो बड़े शॉक्ड होते थे, बोलते थे आपका चेहरा बिल्कुल एक आर्टिस्ट जैसा लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो डांस ट्राई किया जाए। तो उन दिनों में जब हम बहुत छोटे थे, मैं 10th में थी, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के बाद जो ब्रेक मिला तो उसमें गुरु नानक भवन संस्थान है या जयपुर में, वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से शिविर लगते थे, तो वहाँ पे हरिदत्त कला जी थे, तो उन्होंने एक शिविर लगाया था, तो मैंने वो थोड़ा 10-15 दिन के लिए ज्वाइन किया। तो उन्होंने बोला हाँ, ये लड़की की बहुत आईज़ अच्छी हैं, इसको बीच में खड़ा किया जाए। तो जब लोग नोटिस करने लगे, बहुत तालियां बजने लगी, तो मुझे लगा कि ये तो इंस्टेंट शोहरत वाली बात होगी। तो जब हम बहुत छोटे होते हैं इतना नहीं पता होता, लेकिन ये लगा कि ओ वाओ, एवरीबडी इज़ नोटिसिंग अस। और राजस्थान पत्रिका में मुझे याद है मेरी फ़ोटो छपी थी पहली बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इकबाल जी थे तब, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इंस्टेंट तालियां बजती हैं, सब लोग इतना नोटिस करते हैं। उसके बाद बस फिर भूल गई मैं, फिर ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया सोशियोलॉजी में, और उसके बाद फिर एक ट्विस्ट आया, तो लगा कि नहीं, अब इसको यहीं बंद की जाए पढ़ाई को और डांस को अपना लिया जाए। तो ये जो ट्विस्ट की बात आप कर रही है, बार बार आपने ट्विस्ट की बात की, ये ट्विस्ट क्या था? आई रियली डोंट नो राखी, एग्जैक्टली क्या हुआ था, बहुत साल हो गए, पर मुझे ये लगा कि अब डांस को मैं पूरी तरह से अपना लूँ। और मैंने एक समर कैंप स्टार्ट किया था धर्मवीर भाटिया जी के साथ, जो अब मेरे हस्बैंड हैं जो लोग देख रहे होंगे जयपुर वालों को पता है, पिंक सिटी निवासियों को, कि तब हम एक शिविर में मिले थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक समर कैंप स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये बात है 1989 की, जयपुर दूरदर्शन का एक प्रोग्राम था, तब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बोला एक शिविर लग रहा है, वो मैं तुम्हारे साथ करना चाह रहा हूँ। तो मुझे तब डांस इतना आता नहीं था, बट आई स्टार्टेड टीचिंग डांस विदाउट इवन नोइंग अ बिट ऑफ क्लासिकल या फोक की, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन श्रीदेवी की मैं बहुत डाई हार्ट फैन थी, और उन दिनों में चांदनी फिल्म आई थी, तो मुझे आके कुछ पेरेंट्स कहने लगे आपकी मुद्राएं बहुत अच्छी हैं, आप दिखते अच्छे हैं, आपकी आईज़, तो आप हमारे बच्चों को मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियाँ सिखा, मुझे हंसी आ रही है सोच के। तो मैंने वो डांस सिखाना शुरू किया और वो बड़ा रेज हो गया, मतलब राखी मैं आपको क्या बताऊं कि पूरे जवाहर नगर में बहुत चर्चे हो गए कि ये एक मैम है, और एंड नोबडी न्यू एट दैट टाइम कि मैं कोई सीखी भी नहीं हूँ या मुझे डांस था, डांस का शास्त्रीय पक्ष नहीं आता, तो सब लोगों ने बहुत विश्वास किया, बहुत ट्रस्ट दिखाया, और मैंने वो मतलब इस तरह से एक शिविर लेना शुरू किया। उसके बाद मैंने एक मेरी दोस्त है प्रिया शर्मा, नंदलाल शर्मा जी की डॉटर, गीत गोविंद कपूर चंद कुलिस जी कर रहे थे, हम उनको बाबा कहते थे बहुत प्यार से, मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है आज, तो उन्होंने
प्रिया ने मुझे उनसे मिलवाया। वो पापा को जानते थे क्योंकि पापा जर्नलिस्ट थे, हरिदेव जोशी जी के चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। तो उन्होंने बोला ये ईश्वर की बेटी को बुलाओ, वो रिटन वर्क बहुत अच्छा करेगी क्योंकि वो ईश्वर की बेटी है। बड़ा फक्र हुआ सुन के। तो मुझे उस टाइम लक्ष्मी नारायण गर्ग जी आए थे हाथरस से, उन्होंने मुझे रिटन वर्क के लिए रखा, स्क्रिप्टिंग के लिए। तो जब मैं होटल हवेली में इसकी स्क्रिप्टिंग होती थी राखी गीत गोविंद की, मैं रोज़ जाती थी प्रिया के साथ। तो एक दिन जो वहाँ के डांस डायरेक्टर थे, नृत्य गुरु शंकर कुमार जी, प्रवीण कुमार जी बोलते थे उनको, उन्होंने बोला आपके तो फीचर्स ऐसे हैं कि हम चाहते हैं कि आप राधा की प्रमुख सखी ललिता का रोल करें। तो मैं तो बहुत ही घबरा गई, मैंने कहा ये तो मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं आता, डांस भी इतना नहीं आता। उन्होंने बोला नहीं, यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी। और बाबा ने वहाँ पर, कुलेश जी ने, हम सभी बाबा कहते थे उनको, बहुत बड़ी हमारी टीम बनी। हॉस्पिटल रोड पे रिहर्सल्स होती थी, सुबह से शाम तक बड़ी प्यारी रिहर्सल्स करते थे हम लोग। और वहाँ पे हम सबको सिखाया गया और हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा वहाँ पे, उनसे सीखा। और एक फैमिली की तरह हो गया। मतलब ये कि जब गुलाब कोठारी जी के बच्चे, उनके बच्चों के बर्थडेज होते थे, तो हमारी पूरी टीम जाया करती थी वहाँ पे। सो इट वाज लाइक अ स्मॉल फैमिली जिसमें हमें सिखाया जाता था, बहुत चीज़ें सिखाई गई वहाँ पे, एक्टिंग, डांस और बहुत सारी। और डांस के सातों जो फॉर्म्स हैं उनका ब्लेंडिंग सिखाया गया, क्लासिकल फॉर्म्स का, बहुत काम आई, आज भी काम आ रही हैं वो चीज़ें। उसके बाद गीत गोविंद हो गया ख़त्म, उसके बाद मुझे दो तीन ऑफर्स आए राजस्थानी फिल्म से। मैंने एक फिल्म की, माता रानी भटियानी जी, उसकी जोधपुर में शूटिंग हुई, उसमें टाइटल रोल मैंने किया माता रानी का। उसके बाद लेकिन मुझे ना थोड़ा सा लगा कि बस ये फिल्म्स ठीक नहीं है, लेट मी कम बैक टू जयपुर, और जयपुर में ही कुछ डांस का करूँ। तो मैंने अपनी एक अकेडमी स्टार्ट की, उसकी सिल्वर जुबली हो गई अब, श्री हरे कृष्णा कला केंद्र। तो बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ, बहुत बच्चों से सीखा। सीडलिंग स्कूल उन दिनों में मैंने ज्वाइन किया, आज मैं याद कर रही हूँ मैम मोहिनी बख्शी को, बहुत प्यारी पर्सनालिटी, देख रही होंगी सुन रही होंगी मुझे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने डांस में अगर फिनिशिंग लाना चाहते हैं, थोड़ा क्लासिकल टच लाइए इसमें। तो मैंने कथक ज्वाइन किया जी, नृत्य गुरु राजकुमार जबड़ा जी से सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। उसके बाद मैंने नृत्य गुरु शशि सांखला जी से सीखा, 9 साल कथक सीखा। तो उससे जो एक फिनिशिंग आई राखी, तो मुझे लगा कि आज सबको बताना चाहूँगी कि आप अगर डांस में इंटरेस्ट रखते हैं या आपके बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, तो थोड़ा सा क्लासिकल ज़रूर सिखाइए उनको, तो वो उनको बहुत काम आए। लेकिन अब जैसे ही वापस स्कूल खुले, तो वापस इंटरनेशनल डांस डे खुलते ही देखिए आया है, तो हम बड़ी तैयारी कर रहे हैं कल की। जैसे आप बता रहे थे कि रविंद्र मंच से भी आप जुड़े रहे, संदीप मदान जी के साथ, कुलदीप माथुर जी के साथ भी आपने काम किया, तो आपने थिएटर वगैरह भी किया? जी, थिएटर में बहुत मज़ा आता था। और जाने अनजाने उन्होंने मुझे, क्योंकि मैं बड़ी नॉटी सी मिसचिफ बहुत करती थी डांस शिविर में भी, तो शैली सा बोले इसको कुछ रोल दिया जाए। तो उन दिनों में दो तीन मैंने उनके साथ प्लेज किए, बहुत अच्छे अच्छे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रविंद्र मंच से। अब थिएटर कर रहे हैं या छोड़ दिया? नहीं, अब तो बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, थिएटर वालों से जुड़ी हुई हूँ जी। जी। करने का मन है आपका थिएटर दोबारा एक बार वापस जाना चाह रही है? करना चाहूँगी, बहुत अच्छा लगेगा अगर मौका मिलेगा कोई अच्छा सा। और एक बहुत अच्छी सी खुशखबरी जो आज के दिन मैं शेयर करना चाहूँगी कि अभी रविंद्र मंच से मुझे एक ऑफर आया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती है अभी 6 मई को, तो बहुत साल के बाद मैं रविंद्र मंच पे, और ये पहली बार आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये गुड न्यूज़ कि मैं परफॉर्म करने जा रही हूँ रविंद्र संगीत 8 मई को, कंक्लूडिंग डे पे मेरा सोलो परफॉर्मेंस है जी। आपने परफॉर्मेंस भी बहुत सारी दी होंगी, बहुत जगह जगह दी होंगी, पहली याद है आपको कब आपने दी थी डांस की परफॉर्मेंस? पहली डांस की गुरु नानक भवन संस्थान में, 10th, बस 10th के रिजल्ट्स आने वाले थे तब वो शिविर था पहला, वहाँ से शुरुआत। और उसके बाद, उसके जस्ट बाद हम गए थे, कहाँ गए थे हम, एशियाड्स का सिलेक्शन था तब, तब हमारे स्कूल को नहीं इनवाइट किया गया था, तो वहाँ नहीं हमें ले गए थे बस जी। कोई ऐसी यादगार है आपकी मेमोरी में, कुछ हो ऐसा जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? खट्टी या मीठी? बोथ। बोथ, ओके। एक खट्टी सी याद ये कि मैं ना
हम साउथ इंडियंस हैं तो हमारी कॉम्प्लेक्शन कैसे होती है, सेट टूअर्ड्स द डार्कर साइड, है ना. और मम्मा मेरी है सिंधी, तो वहाँ पे सब क्या एकदम वाइट होते हैं, एकदम फेयर. तो ये मैंने इंडिया में बहुत देखी चीज़, बाहर नहीं देखी है ये, कि मैं शेयर करना, पता नहीं एकदम से मुझे याद आया कि मैं इस चीज़ को शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देख रहे होंगे मुझे, बहुत सारी मम्मास देख रही होंगी, बहुत सारी सासू माएँ देख रही होंगी, या बहुत सारे ऐसे लड़कियां जो बहुत सफ़र करती हैं, और ऐसे बहुत सारे हस्बैंड्स या वुड बी हस्बैंड्स जो अपनी वाइफ में एक बिल्कुल सूथरी सी, हमारे राजस्थान में कहते हैं ना, मैं सीख गई हूँ, वैसे मैं राजस्थानी हूँ नहीं, तो एकदम उनको चाहिए बिल्कुल कश्मीरी एप्पल जैसी पत्नी, जिसको वो एकदम एक शो पीस बना के सजा के रख सके. लेकिन अब दिन बहुत बदल रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, ज़माना बदल रहा है, समाज बदल रहा है. और मेरे ख्याल से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस विचारधारा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे हम इंडिया में अभी भी कामयाब नहीं हुए. अभी भी मैं अगर कभी तैयार होती हूँ तो मैं, मेरे हस्बैंड क्योंकि बहुत फेयर है, मेरे ससुराल में सब बहुत वाइट है, बिल्कुल वाइट कहती हूँ मैं, फेयर है, तो मुझे लगता है अगर मैं वहाँ जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ, क्यों, मुझे मालूम है कि मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं अट्रैक्टिव दिखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ओ क्योंकि मेरी त्वचा गोरी नहीं है तो वो मुझे पता नहीं किस नज़र से देखेंगे. तो ये एक मैंने शुरू से बहुत सफ़र किया है राखी, स्कूल में भी जब मुझे लगता था मैं किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ तो वैसे मैं हाथ ऊपर करती थी, तो वो कहते थे, वो आपस में दोनों तीनों में सुनती थी टीचर्स, जैसे अपन सुनते हैं बच्चे सुनते हैं जब टीचर्स बोल रहे कि नहीं नहीं इसको नहीं लेना, तो मुझे सुनाई देता था कि वो कह रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ये. और आज जब मैं टीचर बनी हूँ तो मैं सबसे पहले मेरी नज़र जाती है उन बच्चों पे, मुझे लगता है कि इनको शायद कभी कोई मौका नहीं मिला होगा, जो शॉर्ट हैं या थोड़े जिनको बॉडी शेमिंग है, जो थोड़े मोटे दिख रहे हैं, या जिनके फीचर्स इतने अच्छे नहीं है, या जो सांवले दिख रहे हैं, या और भी जो डार्क दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नहीं मैं उनको ज़रूर लूँ. तो मेरे बच्चे मुझे इस मामले में अभी तक, बहुत सारे बच्चे तो अभी मम्मास बन गए हैं, तो जब भी मिलते हैं तो वो यही बात याद करते हैं कि मैम आपने हमको एक मौका दिया था. तो ये सब टीचर्स के लिए भी है कि प्लीज़ ये डिफरेंस मत करिए, क्योंकि ये बात आगे तक मन को बहुत चुभती है. फिर भी हमारी एक्ट्रेसेस हैं काफ़ी सारी जो फेयर क्रीम के विज्ञापन करती हैं. हाँ, और ये भी शायद गवर्नमेंट भी बैन करने की कोशिश कर रही है, और फेयर एंड लवली ने तो बहुत ही, मैं क्या कहूँ, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए, ऐसी बहुत कंपनीज हैं जो गोरा बनिए, गोरा बनिए, गोरा है तो सुंदर है, सुंदर गोरी दुल्हन चाहिए. तो ये हमारे इंडिया में ही है राखी, और कहीं नहीं है. मुझे लग रहा है थोड़ा सा हम सीरियस हो रहे हैं. मैं वापस आऊँगी. आपने फिर अपने हस्बैंड के बारे में मुझे बताया था कि पहली मुलाकात हुई आप दोनों की, फिर आपने साथ में काम करना शुरू किया. लव मैरिज, लव कम अरेंज्ड. तो और आप ये नहीं पूछेंगे, वैसे अक्सर हमसे सब पूछते कि प्रपोज किसने किया था. नहीं, मैं पूछ रही हूं अगला सवाल मेरा यही होना था जी. तो हम मिले जब, तो मतलब हम मिले तो बहुत साल पहले थे, फिर हम अपने अपने काम में बहुत व्यस्त हो गए, इनके ऊपर भी बहुत फैमिली की जिम्मेदारियां, मेरे ऊपर भी, हम अपने अपने फील्ड्स में आगे बढ़ते गए. वो विश्व मोहन भट्ट जी के स्टूडेंट है, हवाइन गिटार स्पेशलिस्ट है, और फ्लूट भी बहुत अच्छी बजाते हैं, बहुत इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं. तो वो अपने फील्ड में आगे बढ़ते गए, मैं भी अपने फील्ड में. तो कभी एक पल लाइफ में ऐसा आया कि ऐसा लगा कि अब सेटल हो जाना चाहिए, और शायद हम फिर दोबारा मिले, शायद इसीलिए. तो मैंने इनको बोला कि अरे वाह, तुम अभी तक मतलब सिंगल हो, मैं भी सिंगल. तो इन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी थोड़ा और काम है मुझे, थोड़ा और इसको सेटल करना है, इसको सेटल होना है. तो मैंने बोला नहीं, अब अगर तुमको करना है तो फिर लेट्स डू इट नाउ. तो ये हमारी ऐसे फिल्मी टाइप एक स्टोरी हुई, तो मैंने इनको पटा लिया. और उसके कितने साल हो चुके आपकी मैरिज को? 2007 में. इट वॉज़ क्वाइट अ लेट मैरिज. लेकिन अब मुझे जो मेरे दोस्त देखते हैं और जो मेरे कलीग्स देखते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं हमारे पेरेंट्स को ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी जो हमें इतनी जल्दी बांध दिए बंधनों में. तुम तो बहुत अच्छे जेल होते हो, या शायद वो एज ऐसी थी कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं. मैरिड लाइफ के कुछ कोई खट्टे मीठे अनुभव जो शेयर करना चाहे हमारे दर्शकों के साथ. आओ,
बहुत मीठे हैं, सारे मीठे हैं, और जितने लोग मुझे देख रहे हैं अभी वो सब जानते हैं, पिंक सिटी में तो सभी जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जानते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कोई जोड़ी हो तो हमको रब ने बना दी जोड़ी का खिताब देते हैं सब, हम जहाँ भी जाते हैं। और अब हमको म्यूज़िकल जोड़ी कहते हैं, और हमको कहते हैं कि सोशल मीडिया के सेलिब्रिटी कपल, तो हमें बहुत सारे टाइटल्स मिले हुए हैं, और हम बहुत शुक्रिया करते हैं सब लोगों का, स्पेशली दोज़ हू लुक अप टू अस कि हाँ ऐसी जोड़ी होनी चाहिए। और ये बहुत अंडरस्टैंडिंग है, स्पेशली इसलिए कि ये मुझे टॉलरेट कर लेते हैं, तो इसीलिए जोड़ी बनी हुई। जयपुर की बात करो तो किस तरह का क्रेज़ है यहाँ पर यूथ में, या बच्चों में, या लेडीज़ महिलाओं के अंदर किस तरह का है, रुझान कितना है? बहुत ज़्यादा राखी, मैं कितनी और जगह भी जाती हूँ, मतलब सेटल तो मैं यहीं जयपुर में हूँ शुरू से, बट यहाँ बहुत अच्छी तरह लेते डांस को, एंड बहुत रिस्पेक्ट है डांस के लिए, एंड हॉबी के रूप में भी अपनाते हैं, पैशन के रूप में भी डांस को लेते हैं यहाँ पे, बट इट्स रियली नाइस। और हाँ, लेकिन जब हम यहाँ बात करते हैं, क्योंकि हमारे मोस्ट हैपनिंग अगर इवेंट वगैरह जो हो रहे हैं रविंद्र मंच या जवाहर कला केंद्र में, जनरली थिएटर ज़्यादा होता है, या अगर इस तरह का कोई म्यूजिकल या डांस का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो बाहर के आर्टिस्ट जो आते हैं उन्हीं का हो रहा है, लोकल आर्टिस्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि हमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है और टच में रहना है, तो हमें भी मौका ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मैं तो अपने मौके ग्रैब कर लेती हूँ, मैंने ये इवेंचुअली ये सीखा, या शायद बहुत स्ट्रगल किया है तब हम यहाँ तक पहुँचे, तो हमने शायद ये सीख लिया है कि हमको अपने मौके तलाशने हैं, तलाश कर उनको पकड़ लेना है जी। और अगर हम अपना बेस्ट देते हैं तो हमें लोग स्वीकारते हैं, अगर हम होड़ में रहते हैं या हम सोचते हैं कि भला उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से सफ़ेद क्यों, तो फिर हम पिछड़ के रह जाते हैं। गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करती है, स्टेट गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कर रही है गवर्नमेंट या नहीं कर रही है? करती है, जैसे अभी ये जो रविंद्र मंच का जो ऑफर है ये मुझे गवर्नमेंट से ही मिला है, जबकि मैं इतने सालों से टच में नहीं हूँ कोई एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोग्राम के इवेंट के, बट स्टिल दे हैव इन्वाइटेड मी, तो कुछ कहीं तो मतलब ऊपर वाले की कृपा, ऑफकोर्स आप सबकी दुआ, लेकिन उन्होंने भी कुछ तो देखा कि मुझे बुलाया, और मैं मिली जाके वहाँ पे मैनेजर साहब से, उनकी टीम से, और दूसरे दिन मेरे पास लेटर आ गया कि आप 8 तारीख को रविंद्र नाथ टैगोर की जयंती में परफॉर्म कर रही है। मेरे लिए तो बहुत एक बड़ा ड्रीम था, क्योंकि शादी के बाद शायद मैंने एक दो ही इतने बड़े कोई इवेंट्स किए, तो इट इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। शादी के बाद आपने कहा कि इवेंट बहुत कम किए, एक तो बड़े ही किए, इसकी कोई वजह रही कि ये ब्रेक क्यों आया है आपकी लाइफ के अंदर? हाँ, जब बिटिया हुई तो उसके बाद उसको संभालने के लिए, और मुझे ये था कि लोग बहुत आगे से लोग मतलब कि मेरे ससुराल में भी, मेरे इधर मायके में भी सब खुश थे कि हम उसको संभाल लेंगे, पर मुझे ये लगा कि अब मुझे, मैंने वो सब चीज़ें बहुत कर ली हैं अपने लिए, अब मुझे ये जो मातृत्व का जो मदरहुड है, आई रियली वॉन्टेड टू एन्जॉय दैट, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने उस पूरे पीरियड को एन्जॉय किया, और मैं आज भी कर रही हूँ। घर में किसी और को भी है डांस का शौक, आपकी डॉटर को या और फैमिली के किसी और मेम्बर को? किसी को भी इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पूरे नानी घर दादी घर कोई भी नहीं चाहता था कि मैं डांस करूं, लेकिन अब मैं चूंकि मैं यहाँ तक पहुंच गई हूं, तो सबसे ज़्यादा पापा को बहुत इंटरेस्ट ये होता था, क्योंकि मैं क्लासिकल करती हूं और मैं बैले करती हूं, उनको तो बेहद इंटरेस्ट था बैले में, तो रविंद्र मंच में मुझे याद है जब अम्मा को इतना पसंद नहीं आता था, मैं बोलती थी अम्मा कल हमारा इवेंट है, अम्मा नहीं आती थी, तो मैं दूर देखती थी जब लाइट्स ऑफ होती थी या ऐसे, तो पापा वाइट शर्ट खादी पहनते थे हमेशा, वाइट शर्ट वाइट पैंट, तो मैं दूर देखती थी कि पापा बैठे हुए और ताली बजा रहे हैं बैठ के, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता था। फिर मैं सोचती थी अगर पापा को अच्छा लग रहा है, मतलब मन में उनके एक ये था कि बिटिया IAS नहीं बनी, RAS नहीं बनी, जो वो बहुत चाहते थे, लेकिन वो बाद में उन्होंने मुझे इस रूप में स्वीकार कर लिया, तो उन दिनों में पत्रिका होती थी और नवज्योति और राष्ट्रदूत और समाचार जगत, बाद में भास्कर आया, तो सुबह उठते ही जब मेरा इवेंट कोई होता था दूसरे दिन वो फट से आके उठाते थे, सारे न्यूज़पेपर्स कलेक्ट कर लेते, बिटिया देखिए आपकी फ़ोटो आई है, तो ऐसा कोई भी इवेंट नहीं होता था जिसकी दूसरे दिन मेरी पिक्चर नहीं होती थी इन अखबारों में, तो पापा बहुत खुश होते थे।
मतलब कभी ये ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी आपको ये नहीं कहा कि डांस मत करो, ये वाला सीन कभी आपके सामने क्रिएट नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, पापा ने हमेशा ये कहा, और वो ये कहते थे कि कोई अच्छी चीज़ें क्रिएट करो, मतलब डांस में क्रिएटिविटी करो, ये नहीं कि जो चल रहा है आप उसी को करो और फिल्म सॉन्ग्स पे कर रहे हो या अच्छे हैं सब कुछ करो, बट ट्राई टू क्रिएट समथिंग। तो वो क्रिएटिविटी आपने किस तरह से अपने डांस में लिया? वो मैंने बैलेस किए बहुत सारे उनमें की, और अभी जो मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा रही हूँ वो बहुत डिफरेंट चीज़ें सिखा रही हूँ। मतलब आपको बॉलीवुड भी करना है, आपको प्योर कथक भी करना है, कंटेम्प्रेरी भी करना है, लेकिन उन सबका एक मिश्रण ऐसा करना है। और एक्सप्रेशंस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ जी, एक्सप्रेशंस पे, क्योंकि वही चीज़ ऐसी है। सबसे पहले आप अगर कोई भी डांस देखेंगे, अगर किसी को मोहिनीअट्टम नहीं समझ आ रहा या भरतनाट्यम समझ नहीं आ रहा उसके क्लासिकल पार्ट, बट अगर डांसर स्टेज पे खड़ी हो रही है, खड़ा हो रहा है, या तो आप सिर्फ उसकी आईज देखेंगे, उसकी चेहरा देख के आप कहेंगे वाह, कॉमन बंदे के लिए तो यही बड़ी चीज़ है। तो अभी हमारे पास जो आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो सीखना चाह रहे हैं, वो कौन सी डांस फॉर्म में ज़्यादा इंटरेस्ट उनका है अभी? मैं आपको सच बताऊं, उनके पेरेंट्स ऐसे हैं, अभी भी स्कूल में मेरी जो डायरेक्टर है, मेरी जो प्रिंसिपल है, मेरे जो मैनेजमेंट है, कल इंटरनेशनल डांस डे है, मैं एक उनको जुम्बा सिखा रही हूँ, एक उनको इंडियन बैले सिखा रही हूँ, एक राजस्थानी फोक सिखा रही हूँ, एक कथक बेस सूफी सिखा रही हूँ, और एक और है क्लासिकल फ्यूजन। तो हम ये पांच चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे पे छोड़ दिया है कि आप जो सिखा। और बच्चे इतनी प्यारी तरह से, वो बच्चों का एज ग्रुप है 12 to 18 जी, वो आके अपने आप को मेरे हवाले कर देते हैं, जैसे ना एक कच्ची मिट्टी, और मैं उनको मोल्ड कर रही हूँ। तो अभी तो कोविड के बाद हमको एक महीना मिला है हाँ जी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का, तो मैं बेहद खुश हूँ। ये जो अपनी फ्यूज़न वाली बात की, तो ये फ्यूज़न क्या है? क्योंकि ये फ्यूज़न हम जब म्यूज़िक की बात करते हैं तो उसमें भी हमें सुनने को मिलता है, हमें डांस में भी सुनने को मिलता है, एग्जैक्टली क्या है? हम जिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं राखी, वो ये है सातों क्लासिकल डांसेस, हाँ जी, और हमारे फोक डांसेस, उनमें हम कंटेम्प्रेरी का टच डालते हैं। okay. तो वो जो आज की जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ग्रास्प करना बहुत आसान हो जाता है। और अगर मैं बैठ जाऊँ कि नहीं आप बेटा तत्कार करते रहो, आप पूरे टाइम यही करते रहो, या आप क्लासिकल करते रहो, या शास्त्रीय पक्ष में बहुत ज़्यादा रिजिड होके चले, पेरेंट्स तो बहुत खुश होंगे, उन्होंने पैसे दिए हैं तो उनके लिए तो पैसा वसूल है। बच्चे को आप फिर ज़्यादा बांध नहीं सकते, हम अपनी बिटिया को ही देखते हैं, अगर हम उस पर कुछ थोपने की कि आप बेटा क्लासिकल करो, तो वो भी नहीं करेगी, करती नहीं है वो भी जी। वो भी एक्सपेरिमेंट करती है, वो एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग करती है, तो अगर हम उनको कहते हैं कि आप यही करो तो वो बड़ी नाराज़ हो जाती, वो उसको भी मिक्सअप कर देती है। तो आजकल के बच्चों के हिसाब से हमें अपने आप को मोल्ड करना। ये तो सारी अपने म्यूज़िक और डांस और आपकी बात की, इसके अलावा क्या है रागनेश्वर? डांसर है, टीचर है, आगे इसके अलावा क्या मानते हैं अपने आप? इसके अलावा एक पोइटिस है, लिखना पसंद करती हूँ बहुत, दुख में सुख में जहाँ भी मुझे याद आता है गाड़ी रोकती हूँ और मोबाइल उठाती हूँ, अभी तो मोबाइल है, फिर उसमें वॉइस मैसेज करके अपने हस्बैंड के उसमें जो मेरी जो मेन लाइंस होती है, एक जो ढांचा होता है वो बना लेती हूँ, फिर जहाँ पे रुकती हूँ चाहे स्कूल चाहे घर आती हूँ उसको जॉट डाउन कर लेती हूँ। तो आप पोइट भी हैं मैम, तो फिर हमारे दर्शकों के लिए कुछ चंद लाइनें प्लीज़ सुनाइए। ज़रूर। जब जब तारीफ़ें पाती हूँ पापा अब बहुत याद आते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट में सबसे तेज़ वाली ताली आपकी महसूस करती हूँ, कहते थे ना आप राज करेगी बिटिया रानी, देखिए पापा सचमुच सबने दिल में बिठा कर रखा है, फिर भी मगर फिर भी जब जब तारीफ़ें पाती हूँ पापा बहुत याद आते हैं। हर इंसान का कोई ना कोई ड्रीम ज़रूर होता है, आपका ड्रीम क्या है, क्या वो फुलफ़िल हो चुका है या अभी कुछ और बाकी है? अभी है बाकी, मेरी एक बुक छपनी है कविता की, वो बाकी है, कुछ वीडियोस मुझे बहुत अच्छे बनाने हैं और डांस से रिलेटेड, और एक बैले करना है बहुत अच्छा। जो आज आप हैं उसके पीछे आपकी अपनी मेहनत तो है ही, कोई ऐसा है इंसान जिस जो जिस जो आपको इंस्पायर करता हो या जिसको आप
इस सक्सेस का जो श्रेय अगर आप किसी को देना चाहें तो? आफ्टर मैरिज यस, मेरे पति देव, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ भी अच्छी चीज़ करती हूँ तो. उससे पहले अम्मा पापा है ही हैं जी, तो उन्होंने बहुत एनकरेज किया है अभी, जबकि उनको डांस इतना पसंद नहीं आता था. अम्मा को अभी भी इतना अच्छा नहीं लगता मेरा डांस करना, क्योंकि मैं सोशियोलॉजी में, उसके बाद मैंने PhD किया तो बड़ी खुश हुई जब मेरी PhD की, जब उनके साथ मेरे नाम के साथ डॉक्टर लग गया तो. और मेरे ख्याल से हर पेरेंट, अभी हम भी पेरेंट हैं तो हमें भी लगेगा. और सच पूछे तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी बिट्टी आर्ट डांस करे या किसी आर्ट फॉर्म में जाए, पर जब मैं उसको ड्राइंग करते हुए देखती हूँ, अभी वो दुबई आर्ट फॉर्म में, आर्ट फेस्ट में भी सेलेक्ट हुई थी, बहुत तारीफ़ ही सभी तो. लेकिन फिर भी एज अ पेरेंट मैं ये शेयर कर रही हूँ, मुझे ये लगता है कि नहीं, वो पढ़ाई कर ले तो ज़्यादा अच्छा है. आपको जो सफ़र रहा है उसमें बींग अ वुमन, एज ए महिला, आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े? सच बताऊँ तो बिल्कुल भी नहीं करने पड़े, क्योंकि मैं एक, मुझे पापा ने बहुत स्ट्रांग वुमेन बनाया है, बहुत स्ट्रांग. तो ये एक बात उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली जिनके पापाज उनके साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं. तो मुझे आज भी लगता है कि वो मेरे, जो मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे साथ हैं. चलते चलते हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से जो भी मैसेज आप देना चाहें. गा के दे सकती हूँ? बिल्कुल. फॉर ऑल गर्ल्स स्पेशली, सबसे पहली बात आपको सुबह उठते ही अपने आप से कहना है कि मैं बेस्ट हूँ और मैं आज बेस्ट करने वाली हूँ, पहली चीज़. और दूसरी चीज़, मैं अपने खुद की फेवरेट हूँ, आई एम माई ओन फेवरेट. तो आपको भी अपने आप को अपना फेवरेट बनाना पड़ेगा. तो जैसे ही आप अपने आप को अपना फेवरेट बनाएंगे, आप सोचेंगे आप ही इंस्पायर करें दुनिया को. जब आप दुनिया को इंस्पायर करने का सोचेंगे तो आपसे अच्छा कुछ होगा ही नहीं. एक सॉन्ग गर्ल्स के लिए, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. कोमल है कमजोर नहीं. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच. इतना टाइम आपने हमें और पत्रिका टीवी के दर्शकों को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू पत्रिका टीवी, आपने मुझे इस लायक समझा और मेरा मान बढ़ाया. और मुझे लग रहा है आज मैं इतना स्पेशल फील कर रही हूँ, और सबसे ज़्यादा कि बाबा कुलेश जी मुझे ऊपर से देख रहे हैं पापा के साथ बैठ के, कि ये क्या हो रहा है आज की शाम. थैंक यू सो मच. तो पत्रिका टीवी में हमारे साथ ही डॉक्टर रागिनी ईश्वर. फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. नमस्कार.